Welcome to Maxwell Study Hub. So today we'll start with your third chapter, that is Life Process in Living Organism Part 2. You have already completed about the life process like excretion, digestion, nutrition, everything, and the role of nutrition, matlab carbohydrate ke bare mein sikha, vitamins ke bare mein sikha, and also cell divisions like mitosis and meiosis. So what is remaining in this chapter? So now today we'll start with another life process that which is important, that is reproduction. Ab reproduction kya hai? Reproduction koi aisa life process nahi hai jahan par I can say ki ye bahut zaruri hai to survive, to stay alive. It is not important, but yes, for continuity and for आगे की एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत है. सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. इट एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर द जनरेशन. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में क्या होगा? यूनिपेरेंट होगा, मतलब एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, डॉटर सेल्स आएंगी मोर स्पेसिफिकली. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट का फ्यूजन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा एंड इम्प्लांटेशन के बाद एक एम्ब्रियो बनेगा. एंड एक्चुअली एज कंपेयर टू असेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड इज मोर इलाबोरेट, स्लो. नाउ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ लाइफ स्पन. Nobody's I should use the word कि कोई अमर होकर नहीं आया है. तो हर एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को आना है और इस प्रोसेस के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन. सो लेट्स कंक्लूड दिस स्लाइड. वॉट इज रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. नाउ वॉट इज इवोल्यूशन? You have already completed this topic in your first chapter of science. तो जो diversity है, जो evolution की जो पूरी process है, it is mediated through reproduction only. So today we are going to study about asexual method. So let's understand what is asexual method. अब मैंने क्या कहा कि reproduction दो type के होंगे, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, और आज हमें सीखना है एसेक्सुअल मेथड. अब एसेक्सुअल मेथड में क्या होगा? रिप्रोडक्शन तो होगा बट कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होगा. दूसरी जर्नी भी मतलब दूसरी जनरेशन भी आएगी, बट यस, वो पेरेंट्स से एकदम सिमिलर रहेगी. देर विल बी नो डाइवर्सिटी. व्हाई? बिकॉज गैमेट ही नहीं जब फ्यूज हुए, कोई डाइवर्सिटी ही नहीं हुई. कोई जब फ्यूजन होगा, अगर मान इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. बट इन एसेक्सुअल ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी? नाउ इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब आज जो हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का. होप यू ऑल रिमेंबर कि अमीबा कौन सी क्लास का था बच्चों? प्रोटिस्टा का. सेलुलर ग्रेड, एकदम सेल का एक हमने ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, तो सेल का सा मतलब एक यूनिसेलुलर था. तो ऐसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन का? एसेक्सुअल. द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू वन अदर एंड टू देयर पेरेंट्स. Such morphologically and genetically similar organisms, like parents से एकदम सेम दिखने में भी और genetically भी. In 9th class, you must have read about something about phenotype and genotype. Phenotype मतलब जो characters हम देख सकते हैं. तो ये जो asexual reproduction वाले जो organisms हैं ना, वो पूरी तरह अपने parent cell की तरह दिखेंगे. In both the cases, मतलब फिर देखने में भी और उनका जेनेटिक मेकअप भी. तो एसेक्सुअल मेथड क्या है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, एंड यस, इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्टिव मेथड है. इट डजंट टेक, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट टेक्स 9 मंथ का एक पीरियड
एक नई एक अलग एक सेकेंड जनरेशन को आने में. बट इन दिस केस एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज फास्ट. नाउ एक अगर एडवांटेज है तो उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी जुड़ा हुआ है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि इनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, इनमें कोई बोलते हैं एक नया कुछ है नहीं जो कि हम में पाया जाता है. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. एक ऑर्गेनिज्म ने इन्वॉल्व एक पेरेंट सेल होगी, उससे डॉटर सेल बनेगी एंड डिक्टो सेम नई एक ऑफस्प्रिंग्स की जनरेशन आएगी. सो लेट्स रीड आउट व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी. व्हाई? बिकॉज कोई फ्यूजन नहीं है, जैसे पेरेंट था वैसे ही उसका ऑफस्प्रिंग्स आया. सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. फोर्थ पॉइंट, माइटोटिक सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई माइटोसिस, व्हाई नॉट मियोसिस? अगर एक ही जैसे हैं तो कौन सा सेल डिवीजन फॉलो करेंगे? माइटोसिस का. मियोसिस तो कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि मियोसिस क्या था, जो उसके सेल्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल. ये जब हमने सेकेंड चैप्टर को पढ़ा तब हमने समझा कि मियोसिस जो है वो एक ऐसा सेल डिवीजन है जहाँ पे रिडक्शन होगा, जहाँ पे एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा. सो इन दिस केस मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब भी टॉपिक्स या उनको एक्सप्लेन किया तभी मैंने आपको बताया कि पेरेंट और डॉटर सेल एक जैसे ही दिखेंगे. तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन वो फॉलो करने वाले हैं? माइटोटिक. देर इज एन अब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस. यस, बिकॉज माइटोसिस है और माइटोसिस का तो यही रोल है कि एकदम डिक्टो सेम बनाना, कुछ उनमें सिमिलैरिटी तो होने वाली, कोई बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होने वाला नहीं है. तो दे विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंट एंड दिस द एडवांटेज ऑफ द मेथड दैट इज इट इज़ फास्ट रिप्रोडक्टिव मेथड. सो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल मेथड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स इन फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आपकी टेक्स्ट बुक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीखना है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद मल्टीसेलुलर में कैसा होता है वो देखना है. तो अभी यूनिसेलुलर में देखते हैं कि पहला मेथड क्या है. पहला मेथड है बाइनरी फिशन. अब बाइनरी फिजन स्टार्ट करने के पहले ही मैं इसका एक सबसे बड़ी खासियत बताती हूँ कि बाइनरी फिजन वहीं पर होगा, वही ऑर्गेनिज्म्स तभी कर पाएंगे जब कंडीशन फेवरेबल होगी. मतलब सब कुछ फेवरेबल मतलब इन द सेंस कि सब न्यूट्रिशन की पूरी आपूर्ति बराबर है, सब कुछ खाना पानी ऑक्सीजन वट एवर द ऑर्गेनिज्म नीड्स उसको वो सब अच्छी मात्रा में मिलता रहेगा. तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन होता है, अरे भाई चलो हम बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं. दे विल नॉट गो फॉर अदर मेथड्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग स्लाइड्स. सो बाइनरी फ्यूजन कौन कौन करते हैं? प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा. ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा आर अमीबा, पैरामोशियम एंड यूजेलिना. व्हाट दे डू एक्चुअली, और हाँ इसके साथ यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म भी करते हैं. आपका पावर हाउस सेल का दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन. इन दिस प्रोसेस व्हाट एक्चुअली हैपन, द डॉटर सेल द पेरेंट सेल इज डिवाइड्स टू फॉर्म अ डॉटर सेल. एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा मिलेंगे, तो जो पेरेंट जिसने रिप्रोडक्शन किया उसको बोलेंगे पेरेंट अमीबा, और जो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हुए हैं उसको बोलेंगे डॉटर अमीबा. Now, binary fission occurs either by mitosis or amitosis. So now you know about mitosis. अब what is amitosis then? Mitosis में क्या था? Equational division था. मतलब अगर दो क्रोमोजोम से शुरुआत की थी तो अगर दो डॉटर सेल जो बनी है उन दोनों के पास कितने रहेंगे? दो ही क्रोमोजोम रहेंगे. मतलब जो पेरेंट के पास थे वो डॉटर को पूरी तरीके से दिया जाएगा. But
ए माइटोसिस क्या है? ए माइटोसिस में मतलब ए माइटोसिस मतलब विदाउट एनी इक्वेशनल डिवीजन, मतलब किसी को कुछ भी उसका मतलब इक्वेशनल नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं ए माइटोसिस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशन दे अंडरगो दे फॉलो बाइनरी फ्यूजन फॉर देयर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और कौन सा टाइप का सेल डिवीजन फॉलो करते हैं? माइटोसिस और ए माइटोसिस। नाउ बाइनरी फ्यूजन को तीन हिस्सों में मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब पहली कैटेगरी क्या होगी? अब ये जो कैटेगरी एक्चुअली यस, अगर कैटेगरी में अगर अपन को डिवाइड करोगे तो यस, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन से बेसिस पे कैटेगरी में डिवाइड किए गए। तो वो बेस है उसका एक्सेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन, मतलब सेल किस तरीके से तोड़कर दो डॉटर सेल बनाता है और कौन सा एक्सेस फॉलो करता है। कैसे हमने जब बॉडी सिमेट्री देखी थी तो हमने देखा था बायलेटरल सिमेट्री, ए सिमेट्री, उसी को एक थोड़ा सा बेस मानकर हमको ये एक्सेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन से हमें तीन टाइप के बाइनरी फ्यूजन मिले। अब वो कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। फर्स्ट है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, और कौन करेगा? बट ऑब्वियस अमीबा। क्यों अमीबा ही करेगा? क्योंकि अमीबा को कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ए सिमेट्रिकल बॉडी है। तो क्या होगा? अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप एंड हेंस दिस काइंड ऑफ बाइनरी फ्यूजन इज नोन एज सिंपल बाइनरी फ्यूजन। जहाँ पे कोई भी एक्सिस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अमीबा की ही पूरी बॉडी मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर, उसका कोई शेप निर्धारित, और बोलते ना एक कोई प्रॉपर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो उसकी थी ही नहीं, तो कहीं से भी डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना देगा, विच आई हैव शोन यू इन दिस डायग्राम। पेरेंट अमीबा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और कैरियोकाइनेसिस के बाद हम लोग क्या करते थे? साइटोप्लाज्मा। आपने सेल को क्रोमोजोम दे दिया, आपने उसको बता तो दिया क्या करना है, पर उसको मशीनरी तो देनी पड़ेगी, और वो मशीनरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज, तो वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस करने के बाद मतलब न्यूक्लियस देने के बाद कि भाई ये ले तेरा काम ये है, ये कोड का तुम्हारा, तुमको आगे चलकर इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए जो भी कोडिंग लगेगी यू हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ दिस न्यूक्लियस, बट उस कोड को यूज़ करने के लिए अपने लिए कल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, माइटोकॉन्ड्रिया और वो सब जो चीज़ें लगेंगी वो कहाँ थी? साइटोप्लाज्म में। तो वो कहाँ से मिलेंगी? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न व्हेन आई वाज टेकिंग द माइटोसिस का एक्सप्लेनेशन, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ और दो डॉटर सेल मिली जो बिल्कुल सेम दिखेंगी पेरेंट अमीबा से। क्यों? क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नाउ द सेकेंड, अब यहाँ पे अब बाइनरी फ्यूजन में एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्सिस, अब एक्सिस आएगा ट्रांसवर्स, और एग्जांपल लेना है पैरामोशियम का। अब ये क्या करता है ट्रांसवर्स? क्या है ऐसा? इस तरीके से कटना, इन हिंदी बहुत सिंप्लीफाई इसको समझो, इस तरीके से कटना मतलब मुझे ऐसे कट किया गया ट्रांसवर्स। तो पैरामोशियम को कैसे किया गया? इधर से। सो पैरामोशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। नाउ व्हाट थर्ड बाइनरी फ्यूजन, उसका एक्सेस क्या होगा? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल मतलब, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। यूजली ना क्या करती है, क्या करता है वो? ट्रांसवर लॉन्जिट्यूडनल इस प्लेन में जाएगा, सीधा इस प्लेन में जाएगा और अपने दो डॉटर सेल मिलाएगा। बट यहाँ पे भी सेल डिवीजन वही है माइटोसिस, वो मत भूलना। तो एसेक्सुअल मेथड के जो कैरेक्टर्स हैं वो मत भूलो अभी आप। एसेक्सुअल मेथड है उसमें क्या थी? माइटोसिस हो रहा था, या तो ए माइटोसिस होगा मतलब कोई भी इक्वेशनल डिवीजन नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, डॉटर सेल पेरेंट सेल से एकदम सेम दिखेंगे, फास्ट रिप्रोडक्टिव मेथड है। नाउ उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमने एग्जांपल लिया और फर्स्ट डिवीजन देखा, दैट इज बाइनरी फ्यूजन।
बाइनरी फिजन में भी हमने तीन टाइप देखे। सिंपल बाइनरी फिजन मतलब अमीबा, क्यों अमीबा ही, क्योंकि अमीबा का कोई शेप ही नहीं है, एसिमेट्रिकल बॉडी है। फिर हमारे ट्रांसवर्स पे पैरामोशियम का एग्जांपल लिया, एंड थर्ड दैट इज लॉन्जिट्यूडनल, दैट इज द एग्जांपल इज यूजरिना। बट यहाँ पे एक बात मत भूलना कि माइटोसिस में जो आपने सीखा था ना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर भी होगा। अभी ये स्लाइड में हमने देखा ही, सो ये मत भूलना। सो दिस इज एसेक्सुअल मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।